और दोस्तों वेवन विद हरिओ में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूल्य न्यूनता भुगतान योजना। इस योजना के तहत सभी तिलहनों को कवर करने का प्रस्ताव है। क्या होगा इसके तहत, किसको कवर किया जाएगा, याद रखिएगा, तिलहनों को कवर करने का जो है प्रस्ताव है, जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP अधिसूचित किया गया है। इसके तहत MSP और बिक्री, ठीक है, औसत मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान पहले से ही पंजीकृत उन किसानों को किया जाएगा जो एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार, ठीक है, यार्ड में अपनी उपज की बिक्री करेंगे। मतलब पहले से ही वो उन किसानों का नाम लिख लिया जाएगा, कहाँ उनको सोल्ड करना वो लिख लिया जाएगा। साथ ही में जितने, जैसे मान लीजिए कि अगर 6 रुपये में उनका कोई चीज़ है, वो 6 रुपये किलो बिकी उनकी, ठीक है ना, और MSP निर्धारित किया गया है 7 रुपया, ठीक है, तो 1 रुपया कम भी बिका तो ये जो 1 रुपया होगा इसका भुगतान क्या करेगी, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, सीधे उनके खाते में इसको भुगतान कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया। इस योजना के तहत फसलों की कोई भी भौतिक खरीदारी नहीं की जाएगी, क्योंकि अधिसूचित बाजार में बिक्री करने पर MSP और बिक्री औसत मूल्य में अंतर का भुगतान किसानों को कर दिया जाता है, ठीक है। जो PDPS के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता तय मानकों के मुताबिक दी जाएगी, मतलब इसमें जो सामान होगा वो किसानों का सामान सरकार नहीं खरीदेगी, बल्कि जितने कम में उनका सामान बिकेगा उनको उनके सीधे खाते में पैसा जमा कर देगी। निजी खरीद एवं स्टॉक किट पायलट योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। तो तिलहन के मामले में राज्यों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे चुनिंदा जिले की MSP में प्रायोगिक आधार पर निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना शुरू कर सकते हैं, जिसमें निजी स्टॉकिस्टों की भागीदारी होगी, ठीक है। पायलट जिला और चयनित MSP की एक या एक से अधिक फसल को कवर करेगा, जिसके लिए MSP अधिसूचित किया गया है। चूंकि यह PSS योजना के समान है, क्योंकि इसमें अधिसूचित वस्तु की भौतिक खरीद शामिल है, यह योजना पायलट जिलों में, ठीक है ना, किसको प्रतिस्थापित करेगी, PSS और PDPS को जो है प्रतिस्थापित करके योजना चलाई जाएगी। बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह यह योजना है भी, याद रखिएगा। जब भी बाजार में कीमतें अधिसूचित MSP से नीचे आ जाएगी तो चयनित निजी एजेंसी PPPS से जुड़े दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पंजीकृत किसानों से अधिसूचित अवधि के दौरान अधिसूचित बाजारों में MSP पर जींस की खरीदारी, जींस मतलब यहाँ पे वस्तु की खरीदारी करेगी। क्लियर हो गया। जब भी निजी चयनित एजेंसी को बाजार में उतरने के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और अधिसूचित MSP के 15% तक अधिकतम सेवा शुल्क देय होगा, तो ठीक यही व्यवस्था अमल में लाई जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सरकार क्या करेगी, सरकार हेल्प करेगी। क्लियर हो गई बात, उनको सीधा पैसा देने की बात किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। इसमें सबसे पहला ये आपको ज़्यादा दिमाग में रखना है, मूल्य न्यूनता जो भुगतान योजना है इसके बारे में आप लोग अच्छे से तैयार रखिएगा। इसमें क्या है, किसको कवर किया जाएगा, तिलहनों को कवर किया जाएगा। होगा क्या, जितने उनकी बिक्री होती है और MSP के बीच जो अंतर होगा उसको सीधा उनके खाते में जमा कर दिया जाएगा। ये मोटी मोटी बात है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।